जय हिंद गाइस, नव स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रियल एनालिसिस में, उसकी हमने बात की थी। वो प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा एक बार और उसको देख लें, उसको हल्के में न लें, क्योंकि ऐसा मतलब नहीं है। वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की मीनिंग ये नहीं है जो लिखी गई है, उसकी मीनिंग क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मतलब आर्किमिडियन का नहीं है कि यक्स अगर कोई रियल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर एन हमेशा एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी गिवेन रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, एन इज ग्रेटर देन एक्स। इसकी मीनिंग क्या है हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि दिस इज़ अ वेरी ईजी। ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य क्या है उसको हम यहाँ खोलने जा रहे हैं। कौन सा भाई वो रहस्य है देखते हैं, और लिसनर इस चीज़ को बड़ा सीरियसली अगर वो वाच कर रहे हैं तभी उस चीज़ को समझेंगे, अदरवाइज अगर ऊपर ऊपर लेंगे तो बात ऊपर ऊपर निकल जाएगी, तो फिर वो रियल एनालिसिस की दुनिया से कट जाएंगे। तो कटे ना भाई, वो जुड़े रहें। रहस्य क्या है उसकी मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ द सेक्रेट। जैसे हम सब लोगों को पता है नंबर्स थ्योरी की दुनिया में, सेट थ्योरी की दुनिया में, कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस, इसके सारे एलिमेंट कंटेंड इन सेट ऑफ इंटीजर। यस, दिस इज द क्लियर हियर। सेट ऑफ इंटीजर्स के सारे जो नंबर हैं कंटेंड इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और उसके बाद ये सारे नंबर जो है कंटेंड कर जाते हैं सेट ऑफ द रियल नंबर। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे देखें, इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सारे जो नंबर सिस्टम है उनमें सबसे बड़ा है भाई, ये इसमें कंटेंड करता है। तो अगर कंटेंड करने की जो सबसेट की जो मीनिंग है, अगर बड़ा एक लोअर स्तर से हम बात को सोचें, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें, तो बात तो यही हो गई कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट इंटीजर्स में, यानी इंटीजर्स जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है। मीनिंग ये हो गई। अगर थोड़ी देर ज्योमेट्री की मैं बात कर लूँ, ये मेरा अगर नेचुरल नंबर है, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इससे बड़ा हमारा सेट ऑफ इंटीजर हो गया दिस, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब इससे बड़ा हमारा जो है सेट ऑफ जो होगा वो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इससे बड़ा कहीं हमारा जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, राइट। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरा कितना छोटा है, सेट ऑफ रियल नंबर हमारा कितना बड़ा है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर से बड़े होंगे। अब यही तो रहस्य की बात है, नहीं ऐसा नहीं है। अब ऐसा सोचना भी नहीं है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि अगर मैं कोई रियल नंबर बहुत बड़ा से बड़ा अगर लिखूं तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है, एन ग्रेटर देन एक्स। और यस, ऐसा है भी, आप कोई रियल नंबर बड़ा से बड़ा लिखिए उससे बड़ा नेचुरल नंबर जो है लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है भाई, यहाँ तो ये लग रहा है कि नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इंटीजर से भी छोटा है, तो फिर वो ऐसा कहाँ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि वो रियल नंबर से भी बड़ा हो जाएगा। नहीं, बट ऐसी ये बात है, ये डेफिनेटली आप कोई रियल नंबर लिखिए और उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है, तो यही मेरा रहस्य है। देखने में तो नेचुरल नंबर कितना छोटा लग रहा है, रियल नंबर यूं डिफॉल्ट टाइप का, मतलब सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में कंटेंट है। और मैं यहाँ से बात करूँ कि नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर के सभी नंबरों से बड़ा है, तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, बट आश्चर्य नहीं है, यही है। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यही तो मेरी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की मीनिंग हमारी ये है, इस फिगर पे ना जाए वो, कि अगर कोई भी रियल नंबर आप बड़ा से बड़ा लिखते हैं तो हमेशा उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, ऑलवेज बी प्रेजेंट हियर। तो दिस इज द, अच्छा अब बड़ा ये चीज़ें रहस्यमयी लग रही होंगी, थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को ध्यान से लेक्चर को अब तक सुना होगा तो थोड़ा रहस्य क्रिएट हुआ होगा, ऐसे कैसे है भाई कि एक नेचुरल नंबर ऐसा है कि जो रियल नंबर के सभी नंबरों से बड़ा है, जो मतलब पांचवी नंबर की यहाँ जो बात है, बट दिस इज हैपन हियर। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर बड़ा से बड़ा लिखता हूँ, और बड़ा से बड़ा आपकी कैपेसिटी है भाई, जो आप लिखना है लिखिए, उससे बड़ा हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो बात लिखी जा सकती है। अब लिख के देख लीजिए, कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर ये बात है तो हम अपनी थोड़ा अपनी काम वाली बात करें, मेरे काम वाली बात ये होगी
कि अगर ये बात ऐसी है तो अगर जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ 1/n लेस देन 1/x। एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, अगर कोई नंबर बहुत से बड़ा है, बहुत बड़ा से बड़ा है, तो अगर 1/ कर दें उसको, हम रिवर्स रेसिप्रोकल उसका कर दें, तो वो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। यानी वो जो इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइटली जो लार्ज का जो कंसेप्ट बात हुई है, इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब कि बड़ा से बड़ा जो भी आपके दिमाग में है, और इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब जितना छोटा से छोटा बात हो सकती है। मीनिंग हमारी क्या है कि अगर कोई रियल नंबर बहुत बड़ा से बड़ा है, तो अगर उसका मैं रिवर्स कर दूँ तो बहुत छोटा से छोटा हो जाएगा। तो बहुत छोटा से छोटा रियल नंबर, मीनिंग अगर 1/x आप लिखें, दिस इज वेरी स्मॉल ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो डिफिनेटली एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा कि 1/n लेस देन 1/x मैं लिख सकता हूँ। ये भी एक रहस्य मेरी बात हो गई, और बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जनरली जो रियल एनालिसिस स्टूडेंट है समझ में नहीं आती है, उसके पीछे उनका रीजन यही होता है कि आर्किमिडियन की जो प्रॉपर्टी का जो हर्ट है उनको बात समझ में नहीं आती है, बस ऊपर ऊपर वो बात पढ़ लेते हैं। नहीं, ऊपर ऊपर अगर बात पढ़ेंगे तो बातें तो वो क्लियर नहीं होगी। हम यहाँ जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, बट हमारे यहाँ कहने का मतलब दूसरा, हमारी बात क्या हुई कि कोई बड़ा से बड़ा रियल नंबर लिखिए, हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा उससे बड़ा मैं लिख सकता हूँ। कोई छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर लिखिए, डेफिनेटली एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि 1/n लेस देन 1/x मैं लिख सकता हूँ। और बी दिस कंसेप्ट बी ऑलवेज कीप इन माइंड, ये कंसेप्ट हमेशा आप ध्यान में रखें, आगे चीज़ प्रूफ करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अच्छा, एक बात अगर ये है तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस एन लेस देन माइनस एक्स आ जाएगा, तो निगेटिव रियल नंबर्स की भी बात आ जाएगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये मेरी जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की बात थी, इसका रहस्य क्या था, सेक्रेट क्या था, आश्चर्य चीज़ें क्या थी, मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड ऑफ द रियल नंबर। अब हम पॉइंट सेट जो टोपोलॉजी है उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी की जहाँ से हमारी रियल एनालिसिस की टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उस चीज़ की मैं बात अब शुरू करने जा रहा हूँ इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बाद। और मुझे उम्मीद है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अब सबको क्लियर हो गई होगी कि इसका मेन चीज़ें क्या हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। अब हम रियल एनालिसिस की दुनिया में जो प्रवेश तो कर ही चुके हैं, बट अब जो हम और टेक्निकल चीज़ों की जो बात है यहाँ, वो इस हमारे वर्ड से स्टार्ट होती है, और ये वर्ड है नेबरहुड। दिस इज द नेबरहुड। ये नेबरहुड क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब वही पड़ोसी जो अगल बगल हैं, नेबरहुड की तो मीनिंग यही है, पड़ोसी है। बट मैथमेटिक्स की दुनिया में मैथमेटिशियनों ने नेबरहुड को कैसे डिफाइंड किया है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी कंपटीशन किसी भी स्तर के जो कंपटीशन से क्वेश्चंस खड़े होते हैं, बार बार मैं कहता रहा हूँ रिजल्टेंट थ्योरी पे, थ्योरी से वो क्रिएट होते हैं, तो थ्योरी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है। तो चलते हैं, पहले हम उस थ्योरी को क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ द नेबरहुड। नेबरहुड की डिफिनीशन क्या है, पहले उसको हम डिफिनीशन लिख लें, उसके बाद तब हम उसकी एक एक चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं। डिफिनीशन इसकी ये है, बड़ा सीधा सपाट इसकी डिफिनीशन है कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी ए रियल नंबर, देन ए सबसेट यस ऑफ रियल नंबर आर इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ सी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी such that C belongs open interval AB contained in S। यही नेबरहुड की दुनिया है। अब नेबरहुड का जो फैसला होगा वो इसी से फैसला होगा,
कि नेबरहुड क्या है, नेबरहुड का कंसेप्ट क्या है, नेबरहुड कहते किसे हैं, क्या है नेबरहुड, व्हाट इज द नेबरहुड। एक एक वर्ड पे लिसनर यहाँ ध्यान देंगे। अब एक एक वर्ड को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। एक वर्ड आया है यहाँ, लेट सी बिलोंग्स आर। सी बिलोंग्स आर का मतलब कि रियल नंबर, सी बी यानी रियल नंबर। देन ये सबसेट यस ऑफ आर इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ सी। कहा गया कि रियल नंबर का कोई सबसेट यस, सबसेट क्या है, क्लियर है, रियल नंबर क्या है, क्लियर है, कि जो यस मेरा रियल नंबर का सबसेट है वो पॉइंट सी का, रियल नंबर सी का नेबरहुड कहा जाएगा, यानी वो सेट उस एलिमेंट का नेबरहुड कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, व्हेन, क्या होना चाहिए। वर्ड आया इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी। ये ओपन इंटरवल ए बी ऐसा एग्जिस्ट करे कि सी इस ओपन इंटरवल में कंटेंट मिल जाए, बिलोंग करे, और ये ओपन इंटरवल उस सेट यस में कंटेंट कर जाए। और इंटरवल्स क्या है, इसके जस्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में पूरे इंटरवल्स की बात की थी कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ द इंटरवल, और एक एक पॉइंट्स को हमने वहाँ इंटरवल को क्लियर किया था। तो जिस लिसनर को डाउट हो उस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख लें ताकि उनकी जो कनेक्टिविटी है इसके साथ अच्छे ढंग से बनी रहे और इस चीज़ को बड़े डीप स्तर से उस चीज़ों को समझ सकें, कोई कन्फ्यूज उनको न कर सके। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो नेबरहुड है वो सेट है किसी पॉइंट का। कैसे है कि ये जो रियल नंबर है इसे एक ओपन इंटरवल में मिलना चाहिए और ये ओपन इंटरवल इस सेट यस में कंटेंट करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि यस इज़ द नेबरहुड ऑफ सी। इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई। दिस, अगर मैं ऐसे करूँ तो मैं ये बात लिखूँगा कि यस इज, अच्छा नेबरहुड को मैं अब शॉर्टकट लैंग्वेज यूज करूंगा NBD। ये बड़ा बड़ा डिफॉल्ट टाइप लिखने की मेरी आदत नहीं रही है लेक्चर्स के दौरान, मैं हमेशा NBD यूज करता हूँ नेबरहुड के लिए। बड़ा मुझे एजिटेशन होता है बड़ा बड़ा लिखना, तो जब भी नेबरहुड इंटायर रियल एनालिसिस के सिलेबस की बात हम करेंगे तो NBD ही लिखेंगे। तो अब उस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यस इज NBD ऑफ सी। ये बात हो गई, अगर यस इज NBD ऑफ सी, इसकी मीनिंग मेरी ये होगी, राइट। अब यहां एक कंसेप्ट ये हुआ कि हम लोग नेबरहुड निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो बात मेरी डिफिनेशन की हो गई। जैसे अब हम स्टार्टिंग की बात नेचुरल नंबर से ही शुरू करेंगे। हमने 2 एक नेचुरल नंबर लिया, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेट 2 का नेबरहुड है या नहीं। जैसे बाय डिफिनीशन से हमारी बात हुई कि सेट यस सी का नेबरहुड तब होगा जब एक ऐसा ओपन इंटरवल आप खोज के निकाल लीजिए कि वो पॉइंट इस ओपन इंटरवल मिल जाए और वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल उस सेट के अंदर चला जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सेट उस पॉइंट का जो है मेरा नेबरहुड है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नेबरहुड। अब मुझे अब जैसे बाय एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल अगर ला दें तो बात और क्लियर हो जाएगी यहाँ कि यन जो है 2 का नेबरहुड है या नहीं। अगर यन 2 का नेबरहुड होगा तो क्या मीनिंग होगी भाई, कि एक ऐसा ओपन इंटरवल मुझे मिलेगा जो ओपन इंटरवल 2 उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और वो ओपन इंटरवल इस सेट यन में कंटेंट करना चाहिए। लेकिन हमें ये पता है कि ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल नहीं है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेंट कर जाए, कोई ऐसा इंटरवल नहीं है, नो एनी इंटरवल कंटेंट इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि जो यन होगा वो 2 का नेबरहुड नहीं होगा। अब इसका अगर हम एक नेबरहुड की थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, कैसे हम उस चीज़ को और पहचानेंगे, तो वहाँ एक मैं डिलेटेड नेबरहुड का कंसेप्ट है उसकी मैं थोड़ा यहाँ बात कर लूँ। वो डिलेटेड नेबरहुड क्या है, डिलेटेड नेबरहुड की मीनिंग मेरी ये होती है कि जैसे अगर एक कोई भी रियल नंबर है, ए बी एनी रियल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, मतलब आप रियल नंबर कह देते हैं तो फिर एन से आर के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, ए बिलोंग्स आर। तो फार डेल्टा ग्रेटर देन 0, अच्छा यहाँ डेल्टा एप्सिलॉन की बात आएगी, इसकी भी महिमा बड़ी गजब की है, तो इसकी भी बात एक लेक्चर के दौरान कभी आएगा ऐसा टॉपिक, तो यहाँ उसका भी हम कायदे से एनालिसिस कर देंगे। बट यहाँ डेल्टा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, डेल्टा इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखिए, अच्छा स्मॉल का कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब हम पड़ोसी की बात करते हैं ना तो बड़ा वो करीब चीज़ें होनी चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा का यहाँ कंसेप्ट भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से,
तो इफ आर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ देखा जाए ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये हमने बना लिया, दिस इज द ओपन इंटरवल। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा ए हो गया, ए माइनस डेल्टा का मतलब क्या, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ए में से मैं डेल्टा निकालूंगा डेफिनेटली ये लेफ्ट आएगा, कहीं यहाँ आएगा, वो तो डेल्टा भी डिपेंड करेगा व्हाट इज द व्हाट यू चूज द डेल्टा एंड दिस इज द योर ए प्लस डेल्टा दिस ये। अब ये हमेशा इसमें बिलोंग करेगा, ऑलवेज बिलोंग करेगा फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम लोग डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बोलते हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो जब भी मैं कभी नेबरहुड की बात करूँगा तो फिर मैं यही इंटरवल को पिकअप करूँगा, और ये इंटरवल ऐसा इंटरवल है कि फार आल, अब यहाँ फार आल की बात हो जाएगी, थोड़ा एक और मैं बातें हाँ क्लियर कर दूँ धीरे धीरे। फार आल ए बिलोंग्स आर, ये जो है हमारा दिस इज द ओपन इंटरवल जिसमें मेरा ए बिलोंग करेगा फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अब जैसे आपको कोई भी सेट दिया हो और पता करना हो कि ये नंबर उस सेट का नेबरहुड है या नहीं, तो क्या करिए, पहले ये उसका, इसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड भी कहते हैं, अब इसका नाम हम डेल्टा नेबरहुड कहेंगे, कुछ लोग यहाँ एप्सिलॉन लिखते हैं तो उसको एप्सिलॉन नेबरहुड आप ये बोलते हैं, या इसको डिलेटेड नेबरहुड आप ये बोलते हैं, तो हम इसको डेल्टा नेबरहुड आप ये बोलेंगे, मेरी ये बोलने की मेरी आदत रही है। तो नाउ इंटायर जो हमारा रियल एनालिसिस चलेगा, इस जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल को मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ टू ए। अगर डेल्टा नेबरहुड ऑफ वन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, वन माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा, तो ये जो ओपन इंटरवल है दिस इज द वन डेल्टा नेबरहुड ऑफ वन। अच्छा अगर थ्री माइनस डेल्टा, इसी तरीके से मैं ये लिख दूँ थ्री प्लस डेल्टा, तो इसका मीनिंग क्या हो गई भाई कि ये थ्री नेबरहुड ऑफ द डेल्टा हो गया, डेल्टा नेबरहुड ऑफ द थ्री, यानी हम इस थ्री का नेबरहुड की बात मैं ये कहूँगा। यस, डेल्टा नेबरहुड ऑफ द थ्री। अब हम नेचुरल नंबर्स की जो बात अभी यहाँ पिकअप हमने किया था कि नेचुरल नंबर्स में क्या कोई ऐसा नंबर है, यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है क्या किसी भी नंबर का नेबरहुड है, तो नहीं है। रीज़न क्या है, अगर एक हम एक बड़ा इजी एग्जांपल यहाँ पिकअप कर लें, जैसे देख लें यहाँ थ्री नेचुरल नंबर है और थ्री माइनस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा, डेफिनेटली किसी भी डेल्टा के लिए थ्री बिलोंग करेगा, नेचुरल सी बात है, 100% ट्रू ईयर। अब ये जो ओपन इंटरवल है एन इज द नेबरहुड ऑफ द थ्री ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ द थ्री। अब यूं बात मैं ये कहूँगा, इसके जगह मैं जब ये बात बोलूँगा हमेशा, जो मैं प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकलिटी की बात होगी, जो एप्लीकेशन जब मैं क्वेश्चंस की बात करूँगा, तो जब भी नेबरहुड की मैं डिफिनीशन से लिखूँगा या जो मैं जिससे काम चलाऊँगा वो इससे, कि ये सी की जब बात आ जाएगी तो मैं ये लिखूँगा सी बिलोंग्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, दिस इज ऑलवेज कंटेंट। और जिस सेट में कंटेंट करेगा, ये जिस भी सेट में कंटेंट करेगा वो सेट इसका नेबरहुड हो जाएगा। तो मैं जब नेबरहुड की मैं जब भी बात करूंगा किसी भी क्वेश्चन में, तो बात उठाऊंगा, इसी को मैं लेके चलूंगा, तो क्वेश्चन उससे बड़ा इजी भी हो जाता है। जैसे यहाँ देख लिया जाए, अब नेचुरल नंबर थ्री का नेबरहुड कब होगा, थ्री इसमें बिलोंग कर रहा है, थ्री का एक नेबरहुड मेरा मिल गया। अब ये ओपन इंटरवल जो होना चाहिए मेरा नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए, तो नेचुरल नंबर अगर बनाया जाए, अगर मैं एक रियल लाइन बना दूं यहाँ, तो दिस इज द जीरो, ये वन है टू है थ्री है ये फोर है दिस, जब थ्री माइनस डेल्टा मतलब ये होगा, थ्री प्लस डेल्टा मतलब ये होगा। और ये सबको पता है कि किसी भी ओपन इंटरवल, जो ये ओपन इंटरवल मेरा बना है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर है, तो इसमें कंटेंट ही नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा कि नो एनी नंबर इज द नेबरहुड ऑफ एन, मतलब कि एन ऐसे बोला है कि एन इज नॉट नेबरहुड ऑफ द एनी रियल नंबर, यानी इसका अगर हम नेबरहुड निकालें तो कोई नंबर नहीं होगा, नो एनी नंबर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा अगर मैं इंटीजर्स की मैं यहाँ बात करूँ, क्या इंटीजर किसी का नेबरहुड है, तो अगेन नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल कभी भी सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं जाएगा। और यही बात नहीं कि कोई भी ओपन इंटरवल हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी नहीं जाएगा, और कोई भी इंटरवल सेट ऑफ इरेशनल नंबर में भी नहीं जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी नंबर न तो मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसी भी नंबर का नेबरहुड नहीं होता है।
तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्यों क्लियर हो जाएगी, या क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है जो उस सेट में कंटेंड कर जाए, कभी वो कंटेंड ही नहीं कर सकता है, नेवर डज नॉट कंटेंड हियर। तो अब होगा क्या, क्या रियल नंबर है? यस, रियल नंबर ईच पॉइंट का जो है वो नेबरहुड होता है, उसको इजीली देखा भी जा सकता है। अब थोड़ी मैं एक एक बात यहाँ अपनी पिकअप करूँगा वन बाय वन। ओपन इंटरवल किसी में कंटेंड करेगा तो फिर उसमें सारे नंबर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी ओपन इंटरवल में रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, और इरेशनल नंबर तक का जो सेट चलेगा उसमें तो भाई या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, सारे नंबर तो आएंगे ही नहीं। अब जैसे मैं एक यहाँ क्वेश्चन थोड़ा एग्जांपल की मैं बात कर लूँ, अगर मैंने ये सेट यस ले लिया, ये मैंने एक वन टू ओपन इंटरवल ले लिया, अब मैं इसके नेबरहुड की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो लिसनर यहाँ ध्यान दें, तो जब भी कभी नेबरहुड की बात करनी हो तो ये जो इंटरवल लिखा है उसको रियल लाइन पे आप इंडिकेट कर दीजिए, ये वन टू हो गया। यस, अच्छा, इस ओपन इंटरवल का मतलब ये होगा कि इसमें वन और टू नहीं होगा, वन के बाद जो नंबर होगा वो होगा और टू के पहले जो नंबर होगा वो मेरा प्रेजेंट होगा। अब इनके बीच में से अगर मैं कोई भी नंबर, अगर एक मैं सी पिकअप कर लूँ, कोई भी एक नंबर सी, वन टू के बीच में कोई नंबर मैंने सी लिया, एस दिस सी, राइट, तो अब सी का नेबरहुड बनाइए, तो सी का नेबरहुड मैं कौन बनाऊंगा, वही डेल्टा नेबरहुड, तो ये हो जाएगा मेरा सी माइनस डेल्टा यहाँ, एंड दिस इज द योर सी प्लस डेल्टा, दिस सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, डिफिनेटली सी बिलोंग करेगा ऑलवेज, हर नंबर अपने जो डेल्टा नेबरहुड में वो बिलोंग करता ही करता है, और एक जैसा डेल्टा नंबर एग्जिस्ट करेगा, मैं बातें कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ये हमेशा अगर ये देखा जाए किसी भी डेल्टा के लिए, क्लियर दिस दिस फिगर, वन टू के बीच मैं कोई भी नंबर ले लूँ, चाहे वन के कितने मैं पास ले लूँ, चाहे टू के मैं कितने मैं पास ले लूँ, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एक ऐसा नंबर मैं खींच के निकाल सकता हूँ कि उस इस नंबर का जो नेबरहुड बनेगा ऑलवेज कंटेंड इन वन टू। बाई एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पिकअप किया वन के जस्ट एक बाद एक नंबर, तो वन के जस्ट बाद एक नंबर 1.0000 मैंने टू ले ली, दिस, और छोटा ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर सिंप्लिसिटी फॉर कन्वीनियंस बस हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसका अब ये देखना है कि क्या वन टू इस नंबर का नेबरहुड है, तो क्या करेंगे, माइनस डेल्टा कर दीजिए और 1.0003252 दिस प्लस डेल्टा कर दीजिए, ये डिफिनेटली ये जो नंबर होगा दिस नंबर बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। अच्छा, अब डेल्टा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इतना छोटा से छोटा डेल्टा लिख सकता हूँ कि अगेन ये जो नंबर यहाँ है, अगर एक नंबर यहाँ इंडिकेट किया जाए दिस नंबर इज 1.00 दिस थिंग्स, तो मैं डेल्टा एक नंबर ग्रेटर दैन जीरो डेफिनेटली निकाल सकता हूँ कि इनमें से क्वांटिटी निकालूँ अब भी वो ग्रेटर दैन वन हो, और ये प्लस डेल्टा है तो दिस, तो एक कॉमन अब तो बिल्कुल इजी चीज़ हो गई होगी कि दिस 1.00002 दिस बिलोंग्स टू दिस एंड कंटेंड इन वन टू दिस। कहने का हमारा मतलब क्या है कि इस ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी दिस ओपन इंटरवल वन टू इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इनमें वन नहीं लिखेंगे, नॉट, अगर वन लिखेंगे तो वन, क्योंकि वन जो इसका मेंबर है ही नहीं, इसका मेंबर तो वन और टू के बीच में है, तो वन और टू के बीच में जितने भी नंबर्स हैं किसी भी नंबर का जो आप ओपन ए डेल्टा नेबरहुड बनाएंगे तो डेल्टा नेबरहुड डेफिनेटली वन टू में कंटेंट करना ही करना है, कि मैं एक वैसा रियल नंबर मैं खोज के निकाल सकता हूँ, उससे मैं छोटा और बड़ा लिख सकता हूँ, हमेशा ए ऑलरेडी प्रेजेंट है बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, हमेशा मैं खोज के निकाल सकता हूँ दैट नंबर प्रेजेंट हियर। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपन जो इंटरवल है अपने ईच पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग अभी और नेबरहुड पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स जो हमारा था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का रहस्य क्या है, नेबरहुड क्या था, जो मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी की पहली बात जो स्टार्ट की जिसमें पूरी बिल्डिंग खड़ी है मेरी,
वो बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नेबरहुड को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।